उनसे मैंने जात ली थी, उनसे मेरी मुलाकात थी। और वेलकम बैक नाजिन, खुश आमदीद आपकी दोनों फिर असंजावा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं हमारी गुफ्तगू चल रही थी एजाज लोहान के साथ, जो फोक सिंगर, अब ये फोक सिंगर नहीं है, अब ये गज़ल सिंगर ईद गज़ल भी बाजा बजा के भी गाते हैं। इनकी खूबी ये है, ये दो अंदाज से गाते हैं, बाजा भी बजा लेते हैं और चिमटा भी बजा लेते हैं और थोड़ा सा बाल भी खड़का लेते हैं, वो भी इनका अंदाज देखेंगे। एजाज भाई ये बताइए, आपने बताया कि कोरोना की वजह से काफ़ी फर्क पड़ा फील्ड में, कोरोना के चल चले अभी आप देखते हैं, जिस तरह हम याद है हम लोग फंक्शन किया करते थे, एक एक रात में चार चार तीन दिन शो किया करते थे, फिर भी देर को वापस अब नहीं आ सकता। मुझे मुश्किल लगता है, कितना स्कूल तो तासीन था, ऐसा होता था तो जिस दिन फंक्शन नहीं होता था तो ये तो खुशी होती थी चेहरे पर, और मैं समझता हूँ तो ये समझते थे शायद कोई ईद का दिन हमारे लिए आया है, तो आज रात को याद सुनेंगे, मगर छुट्टी होती थी आए हाँ, तो अभी देखते हैं तो यार वो पहले तो ऐसा होता था कि बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती थी, तो आज कोई फंक्शन नहीं है, आराम करके, अब आराम ज़्यादा है, काम जो है ना बहुत। अगर भी किस तरह देखते हैं कितनी महंगाई हुई है, और हमारा तो काम ही सारा यही है, काम भी कितना हो गया, क्या करते हैं, मैं कहता हूँ तो देखो ना सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया थी, बाकी ये बात हकीकत, हर चीज़ जो है ना यहाँ से गंद वगैरह हर दुनिया की चीज़ें जो है ना यहाँ उधर उधर अगर पढ़ाई हो चुकी है, नहीं नहीं आप बात कर सकते हैं, एक चंद सेकंड हम जरा जगह बदलना चाहते हैं क्योंकि लाइट नहीं की बंद हो गई, चंद सेकंड खाली यही बंद कर लिया बेटा, ठीक है देख लो बैठ जा, ठीक है जी जी ओके। तो महंगाई की वजह से ये सारा सिलसिला जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इधर हो बस बस की वजह से क्या मतलब, अच्छा मसला ये ना नाज़िम पता मसला क्या, मसला ये कि हम फनकार लोग हैं, उनके अलावा हमने कुछ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल हम कुछ और काम कर ही नहीं सकते, और काम इतना है कि मतलब एक तरीके से ना होने के बराबर, किससे गुजारिश करें, ये तो वही बताना चाह रहा हूँ, हम सियासत में नहीं जाना चाह रहे, हुकूमत को चाहिए तो ये फनकारों की देखभाल करें, हमारी जो है ना अपनी सबकी समझ लो, हमारे पाकिस्तान के अंदर फनकारों की ठीक है, मैं सारी उम्र समझ लो कल्चर गाया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, मैंने डेटा जमा करवाया था कभी कुछ नहीं हुआ, तो अभी चाहिए ना कितना मैंने काम किया उतना कुछ नहीं कर दिया हमारे बनाने चाह रहा हूँ, और शरीर साहब के साथ बात करूँगा, अल्लाह करे सब आपके लिए कोई रास्ता बन जाए, शरीर में क्या काम कर रहा हूँ, काम है और क्या
अब मिसाल के तौर पर एजाज कुमार साहब बच्चे भी ये देखते हैं कि यार बाबा किसी के बारे में क्या बताएं कि मेरे बाबा जो हैं अच्छा मजे की बात एक ये कि जो हमारा प्रिंट मीडिया है उसे प्राउड है प्रिंट मीडिया का प्रोत्साहन अच्छा सोशल मीडिया अन्य तीन मीडिया जो चैनल चैनल दबाते हैं जो बात शो वगैरह होते हैं ये भी क्या कहते हैं जोर करते हैं यार ये तो आप हाँ कोई मतलब ऐसा नहीं है ये तो होना चाहिए कराची में तो यार कोई ऐसा आजाद लोहार हो नहीं है। अच्छा आपके सामने आजाद लोहार बस एक ही चलो पंजाब तो बहुत हो गए पंजाब जाने वाले गाने वाले बहुत हो गए मगर कल्चर जो है कल्चर तो नहीं पेश कर रहा पंजाब का कल्चर यहाँ नहीं पेश कर रहा सबको पता है तो यार से कहीं भी आदमी तो ऐसा मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी चाहिए सरायकी भाइयों की सरायकी जो हमारे भाई हैं वो वोट से लेके और आप लोगों के लिए एजाज लोहार साहब ने जो है ना ये गाना आपके लिए गाया अखियां मलक छक जाने वाली है सोनिए निशान तड़पाण वाली है अखियां मलक छक जाने वाली है सोनिए निशान तड़पाण वाली है अब जो जी जान मर गए नहीं करिए दिल के मंडल असी दो एक गली विच रहिंदे सां मिलदे रहिंदे सां नाले सुख सुंदे सां दुख दर्द नहीं वंडाया नी असी की करिए दिल तेरे नाल मिलाया नी असी की करिए। वाह जी वाह मेरे पास चुमटा नहीं था मेरे पास खड़े थे मैंने कहा वही बजा लूँ मैं अरे अपना एजाज लोहार साहब का जो तो जरा थोड़ा सा मूड बन जाए मूड बन गया था जितने आ गया था वाह जी वाह एजाज भाई क्या बात है क्या बात है। अरे एजाज भाई अभी हम बात करेंगे दो गीत तो आपके आ गए जो आपने चल भी रहे हैं ना 14 अगस्त आज 11 अगस्त है क्योंकि जी हम जो है थोड़ी वहाँ की फ्लैश आ रही है थोड़ा सा और उधर आना पड़ा तो हम जो है क्या कहते हैं पहले कितने भी दुखी हूँ कितने भी महंगाई भी मार कितने भी महंगाई भी मारे हों ठीक है हमें हमारे घर में बिजली ना हो हमारे घर में गैस ना हो तो अपने तो क्या कहते हैं सिस्टम बन गया ना 11 बजे गैस चली जाती है और बिजली जाती नहीं है सर बस बार बार आती है बिजली जाती नहीं है भाई हमारे यहाँ बिजली बार बार आती है और क्या कहते हैं जो भी है रुकी सुकी खा लेते हैं 11 बजे के बाद हमें ठंडा खाना खाना पड़ता है लेकिन फिर भी हमें पाकिस्तान से प्यार है पाकिस्तान जिंदाबाद है ठीक है ना। और क्या कहते हैं वो रात पतेली खान है क्या नाम रात पतेली खान वो तो बड़े मशहूर हो गए हैं वो उन्होंने चीख रहे थे बेचारे कब से वो ये जो झंडा है ये जो झंडा इसमें डंडा है अब समझ में आए मुझे वो क्या कह रहे थे ठीक है ना यदि वो ये जो झंडा है ये जो क्या है वो सुना होगा आपने भी ये जो झंडा है इसमें डंडा है ओ भाई
आप डंडा ले लें, आप तलवार ले लें, लेकिन हमें तो पाकिस्तान से प्यार। सर क्या बनाया आपने इसके लिए? मैं बड़ा खूबसूरत एक नगमा गाया था, पिछले साल पाकिस्तान साडा जीवे पाकिस्तान जिंदी सब तो उच्ची शान जिंदी सब तो उच्ची शान साडा ओ जीवे पाकिस्तान साडा जीवे पाकिस्तान साडा जीवे पाकिस्तान साडे देश दियां क्या बातां ने इत्थे सोहणियां खूब सजातां ने साडे देश दियां क्या बातां ने इत्थे सोहणियां खूब सगातां ने इत्थे सारे रल मिल वसदे ने भावें वक्खो वक्ख उदातां ने साडी सभणा दी पहचान साडी सभणा दी पहचान साडा ओ जीवे पाकिस्तान साडा जीवे पाकिस्तान साडा जीवे पाकिस्तान। देखा नाज़रीन आपने सर्वाइव कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में, आटा नहीं है, चीनी महंगी, आटा महंगा, दालें महंगी, बिजली बार बार आती है, जाती ना है, बार बार आती है, गैस 11 बजे के बाद ठंडा खाना मिलता है, लेकिन आवाज़ हमारी क्या आ रही है, साडा जीव है पाकिस्तान, तो साडा पाकिस्तान तो जीव है और पाकिस्तान के जो क्या कहते हैं वो देखभाल करने वाले भाई थोड़ा सा जीने दो, साडा जीव है पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से हमें प्यार। ये अंदर की आवाज़ है सर, हाँ जी, ये अंदर की आवाज़ है, काम नहीं है, लेकिन जज्बात देखिए ना, तो जज्बात कैसे, क्यों मुल्क बड़ी माओ से मिला है, ये मुल्क असल में कुछ भी कर ले ये मुल्क ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि मुल्क पता है किसके नाम पर बना है, पता है कलमे के नाम पर, कलमे की बगह कौन है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है ना, तो कहा है ना शायर ने भी कहा है ना, कलमे की बगह कौन है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, खा लो भाई इमाम हुसैन का लंगर सारी दुनिया खा लो, अभी भी खाया हमने पूरे 40 दिन तक खाया सब लोग, पूरा साल खाते हैं, पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होने वाला है भाई, कुछ भी कर रहे हैं। बारा जी एजाज भाई ने सुनाया साडा जीव है पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमारी आंग हमारी जान हमारी शान। और जी एजाज भाई मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि मैं बाजा बजाती भी गाता हूँ, वो क्या चेंज हुआ है उसमें, ये वाला अंदाज तो नहीं रखो, अंदाज तो नहीं जैसे गुलाम अली साहब की गजल हम आपसे सुनेंगे, तो आपने गाई नाजी और कीजिएगा, ये भी हो गए टू इन वन, एक वक्त में दो जी चिमटा बजा के भी गाते हैं चिमटा, और बाजा हारमोनियम क्लियर भी करके गाते हैं, गजल सुनेंगे किसी नहीं बिल्कुल आप सुना है तो किसी के गम ने मारा, हमको किसी के गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसी के गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने थोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही, हमको किसी के गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखिए जी आप देखें, वो जो अंग था वो फोक अंग था, वो लोहार वाला अंग था, आलम लोहार लोहार साहब वाला और अरे जोहर वाला जोहर की आपके अंदाज में, लेकिन ये जो अंग है ये एक अलग है, लेकिन वो वाला तो मैं एक्सेप्ट कर रहा था, मैं बताऊँ आपको यार वो वाला गाया ना तो मैं बोलता यार खास क्या करूँगा, लेकिन बहुत अच्छा आपने गाया। अच्छा भाई क्या चाहते हैं आप, क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई शिकायत है, कोई अंदर की बात चाहते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए था ऐसा नहीं। दरअसल बात यह है मेरे भाई, कोई भी आए हुकूमत कोई भी चलाए, मतलब कोई खराब नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो भी आए गरीबों का गरीब जो पिस रहे हैं, जो गरीब मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, खासतौर से फनकार फनकार खास तौर पे फनकारों के लिए तो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है, वो
कोशिश करो कि यार पाकिस्तान के अंदर फनकारों को भी देखो, पाकिस्तान फनकारों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है सर। बहुत बड़ा से सर, अभी इमरान खान साहब का जब हॉस्पिटल बन रहा था, एक कोई भी ऐसी बात होती है तो फिर फनकारों को ट्रक पर तो चला देते हैं, लेकिन जहाँ फनकारों को उनको रखना चाहिए वहाँ क्यों नहीं चलाते, काम वहाँ क्यों नहीं रखते, ऐसा रखना चाहिए सर। हमारी आवाम को भी और हमारे जो करता करता है उनको भी चाहिए सर। इतनी बड़े बड़े इदारे बने हुए ना, इदारों के लिए क्या कैसे देखते हैं कि इदारे वाले जो हैं वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको काम देना चाहिए। बिल्कुल यार, कम से कम काम भी देना, आपके अपने बच्चे जो है ताकि वो भी स्त्री में आए ना, इदारों के लिए ये कहूँगा तो इदारों को बिल्कुल सोचना चाहिए और बिल्कुल ये मदद करनी चाहिए। बच्चे इसलिए फिर बाद में नहीं आते, देखो ना बहुत सारे ड्रामे लोग करते हैं उनके बच्चे नहीं आते, बहुत सारे गुरु कार उनके बच्चे नहीं आते, वो मतलब आगे वो नतीजा जो है वो मिल नहीं रहा, डिसहार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे बाबा के साथ ऐसा होगा हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि जिंदगी जो है ऐसा दाव पे लगाने वाली बात है। मगर मैं ये चाहूँगा जब इतने बड़े इदारे हैं ये बिल्कुल सरकारों के साथ बिल्कुल सपोर्ट करें, करनी भी चाहिए, होना चाहिए, कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए। देखो बाहर के मुल्कों में जाओ, इंडिया चले जाओ, आप देखो सारे खुशहाल हैं, और यहाँ देखो नहीं, बिल्कुल यार ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे कोई अब जो इदारों में लोग बैठे हैं ना सर, उनको खुद का काम है ना, बिल्कुल यार इन लोगों की लिस्ट बनाओ, जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं वो कितने हैं, तो ये क्या करते हैं, इनकी जो है अब दिन क्या है यार, ये क्या काम कर रहे हैं, इनकी रिलाइज कराए ना। तो अभी जैसे अवन तो फंक्शन होते नहीं है, बिल्कुल गलती से कोई हो भी जाता है तो फिर वो ई पर आ जाते हैं ना, ये कहानी पता चल रही पहले कम वाले अब पहले तो ये होता था भाई की शादी है, बहन की शादी है, जीजे की शादी है, पहले तो ये होता था। अब ये हो गया तो यार बजट नहीं है यार, अगर आपने गलती से बोल ही दिया तो यार भैया कह रहा भाई देखो यार बजट नहीं है, मैंने पढ़ा लेते बार बार यही जुमला। अच्छा अच्छा, तो ये मुझे बताइए भाई आपको कोई बच्चा नहीं है इसमें, एक मिनट, अच्छा अच्छा चांद है, चार चांद है, चार अच्छा, वो दौलत में जाते हैं वो पैसे पूरे लेते हैं सही, वो कहता है पापा आप जो है ना जो भी करें आप करें मेरे मामले में नहीं, वो पहला बॉल बोलता भाई मैं इतने बात तो काम नहीं है वो, काम नहीं उनको से फिर ये बात आ जाती है वो आजकल वो चैनल खुले हुए लोगों के ना, वो बुला लेते हैं फ्री में, वो भी कहते हैं क्या कहते हैं जी न्यूट्रिशन आएंगे और बजट नहीं है ना हमारा, तो भाई बजट नहीं है तो बंद कर दो खुदा बंद कर दो चैनल यार, पर ये नहीं है वो नहीं यार, एक बंदा कितनी दूर से आ रहा है यार, जी कितनी दूर से एक बंदा आता है यार उधर से आ रहा है, तो इनको अपने रब बनाने के लिए ना क्या कहते हैं, अब मैंने तो आपसे ऐसे कुछ नहीं कहा ना, मैं बैठक कर रहे हैं हम भाई, जब मैंने दिखाई है आपको बात, जो फनकार होता है ना उसको तबले की ज़रूरत है ना उसको बाजे की, लेकिन आपकी मोहब्बतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। इन्होंने मुझे गज़ल भी सुनाई बैठे बैठे, इन्होंने मुझे फोक भी सुनाया, उनकी गीत है वो भी, इन्होंने मेरी नगमा भी सुनाया कि हमको पाकिस्तान से प्यार है, बिल्कुल है जी। तो एजाज भाई हालांकि अभी म्यूजिशियन भी जो है ना हमारे यहाँ कम होते जा रहे हैं, आपको गया तो क्या करेंगे, यकीन कह रहे हैं कि जितने कम हो गए तो लोगों ने डिसाइड होकर डिसाइड होकर ना वो चीज़ें छोड़ दी स्पीड छोड़ दी, खत्म हो गई। इस तरह हमारा यहाँ कराची में थिएटर का हाल है ना, थिएटर भी तकरीबन खत्म खुदा जहाँ भी हो गया, ये भी खत्म हो गया, और क्या कहते हैं भारत आपके लिए हमारी ये ख्वाहिशत है, एजाज जोहर पाकिस्तान का बड़े फनकार है। अच्छा बड़ा फनकार पता क्या होता है, कद से बड़ा नहीं, बड़ा फनकार अंदर से बड़ा, एक फनकार के अंदर सबसे पहले इंसानियत का होना जरूरी है, उसी को बड़ा, क्योंकि आजकल तो बड़ा माना जाता है जो बड़ी सी गाड़ी में आता है ना, और अगर कहते हैं बड़ी वो टोर के साथ उसको बड़ा माना जाता है, तो बड़ी सी गाड़ी हो भले वो कर्जे की हो ना, लीज की बारल जी, एजाज लोहार साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इतना टाइम दिया, दुआएं हमारी कि अल्लाह पाक आप सबकी हमारी सब फनकारों की जो मुश्किल हैं परेशानियाँ हैं जो रुकावट हैं बंदिशें साजिशें अल्लाह पाक सब कम करें, हमारा पाकिस्तान भले भूले, फनकार भूलेगा तो पाकिस्तान भूलेगा, क्यों जिस शहर में जिस वतन में कला का प्रचार होता है
वो मुल्क बहुत जल्दी तरक्की करता, क्योंकि जो फनकार सारे पैदा हो जाते हैं ना, झगड़े खत्म हो जाते हैं जनाब। क्या है जी, बहुत अच्छा। वो झगड़े खत्म हो जाते हैं क्योंकि फनकार का काम ही नहीं लड़ाई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और एजाज लोहार को दीजिएगा इजाज़त, और देखते रहिएगा संजान वारसी कथन मास्टर यूट्यूब चैनल HAANJAANN0@gmail.com। आई लव यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।